दोस्तों आपका इजी टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों हम इजी टीचिंग में प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं शब्दों की अवे, उसके हम थर्ड पार्ट देखने वाले। इसमें 40 प्रीपोजिशन सीखेंगे, उसका सेंटेंस का मीनिंग हिंदी और मराठी में समझ लेंगे। दोस्तों चलो हम सीखते 21 प्रीपोजिशन ऑफ। यह प्रीपोजिशन माल की संबंधता चे ये दर्शाता है मराठी में, यानी ही डेट ऑफ हंगर, तो भूखे ने मिला ऑफ भूखे ने ऑफ द हंगर भूखे ने। गिव मी अ हॉट कप ऑफ टी, गिव मी मला एक गरम चायचा प्याला दे। द ग्लास इज फुल ऑफ वॉटर, तो ग्लास पाण्याने पूर्ण भरला है। इसी प्रकार से वो ग्लास पूरे पानी से भरा है, पानी से चाह। गिव मी मुझको एक गरम चाय प्याला चाहिए, गरम चाय का ऑप यानी का, तो वो भूख से मर गया। भूख से ऑप यानी से ऑफ हंगर टू हंगर इसी तरह से लगता है। दोस्तों आगे ऑफ दूर लाम बाहर अंतरावर और ओड वाले ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों कीप ऑफ द फायर, दिस इज ऑलवेज ऑफ वो हमेशा के लिए बन होता है। ही जम्प ऑफ द बस, वो बस तो बसाचे बाहर पड़ाला ऑफ यानी बाहर हमेशा के लिए ऑफ। द कीप ऑफ द फायर यानी देखिए ऑफ यानी बंद रहना दूर रहना, इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कीप ऑफ द फायर, वो हमेशा फायर नहीं करता है, फायर कीप ऑफ द फायर। दिस इज ऑलवेज ऑफ हमेशा के लिए वो बंद रहता है। ही जम मुझे तो बस जब बाहर पड़ी वो बस के बाहर निकला, बाहर निकला इसी हिसाब से हम बाहर निकला। आगे अभी इसी प्रकार से हम प्रीपोजिशन के उनके विथ कैसे लगता है, ऑफ कैसे लगता है, टू कैसे लगता है, इसका हम ध्यान रखेंगे, इसको क्या समझेंगे। विथ ने चा स उसके साथ में, चा मुड़े उसके लिए, चा बर उसके साथ में, ऐसा आएगा इसका अर्थ। फॉर एग्जाम्पल देखिए वी आर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारे साथ में। ऐसा वी आर कमिंग विथ राम, हम किसके साथ आए हैं, हम राम के साथ आए हैं, राम के साथ में, साथ में। ही वॉज गोइंग विथ फ्रेंड, गोइंग वॉज विथ फ्रेंड, हम किसके साथ में गए थे, दोस्तों के साथ में गए थे, मतलब ये जो है ये उसके साथ में जो जाते हैं उसके दिखाने के लिए विथ आई डब्ल्यू आई टी एच विथ का यूज किया जाता है। ये प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज करने वाला प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसका तीनों अर्थ अच्छी तरह समझ लेना है। कोई हमें तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ आ रहे थे, वो तुम्हारे साथ गया था, और मैं दोस्तों के साथ आया था, इनके लिए ये विद का यूज किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम नए नए अभी प्रीपोजिशन के हमने हर एक पार्ट का विश्लेषण अच्छी तरह किया है, हिंदी में आनी मराठी मध्ये पण, तरी तुम्हाला उत्तम रीत्या समजण्याचा मी प्रयत्न करत आहे। अभी हम देखते 24 प्रीपोजिशन विदाउट, उसके सिवा उसके अलावा हम जी सकते ऐसे हम बोलते हैं, जिसके लिए ये विदाउट विदाउट इसका यूज किया जाता है, इसका वापर किया जाता है दोस्तों। विदाउट त्याच्याशिवाय माझ्याशिवाय त्याच्याशिवाय जगू शकतो असं आपण बोलतो तेव्हा या विदाउटचा वापर केला जातो। फॉर एग्जाम्पल नो ॲडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन की जो ॲडमिशन नाही मिळता है, इसी प्रकार से बोल सकते। सेकंड ही ऑलवेज ट्रैवल विदाउट टिकट, वो हमेशा बिना टिकट के ट्रैवल करता है, प्रवास करता रहता है। नोबडी कैन लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना जी ही नहीं सकते। इसी प्रकार उसके सिवा उसके अलावा इनके लिए विदाउट का यूज किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ये विदाउट प्रीपोजिशन बहुत बार यूज किया जाता है, हम जब बोलते हैं स्पीक में कुछ भी तो उसके लिए ये मोस्ट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, विथ और विदाउट, समझे दोस्तों। इसका यूज करना हमको इन तीन वर्ड से, और हम बोलते वक्त भी बोल देते उसके सिवा विदाउट,
तो ये याद रखना दोस्तों, और सेंटेंस का आप अच्छी तरह मीनिंग भी तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब ये प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस बनाने के लिए, समझने के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। चलो हम अगला वाला प्रीपोजिशन देखते हैं, 25। देखो दोस्तों, हम मेरा आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो मेरा चैनल लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए दोस्तों। चलो 25 देखते हैं। फॉर हेतु उद्देश्य कारण ला, कुछ हेतु के लिए का, अभी फॉर मतलब तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए लाया, ऐसे हम बोलते हिंदी में, इसके लिए ये यूज किया जाता है। मतलब तुझा साठी, माझा साठी, मी कोना साठी, ऐसा मराठी में बोलते, तो मराठी साठी पण हे वापरलं जातं मित्रांनो दोस्तांनो। मी तुझ्यासाठी आणलं, मी तेरे लिए आया था। अभी देखते फॉर एग्जांपल में देखते दोस्तों, वेट फॉर अ मिनिट, मैं एक मिनट के लिए रुका। दिस प्लॉट फॉर सेल, दिस प्लॉट वो जगह बेचने के लिए है, बेचने के लिए। आई क्राई फॉर न्यू शूज, मैं नए शूज यानी बूट मतलब शूज के लिए रोया हूँ, नए जूतों के लिए रोया हूँ, नए जूतों के लिए। भाई मराठी में बता दो, वेट फॉर मी एक मिनट के, मैं एक मिनटा साठी, एका मिनटा साठी, वाट पाहिली एका मिनटा साठी, साठी फॉर, दिस इज प्लॉट फॉर, वो ती जागा विकण्यासाठी आहे, ती जागा, दिस इज अ प्लॉट, दिस प्लॉट फॉर सेल, विकण्यासाठी। ऐका मी त्या बुटांसाठी रोललो, बुट फॉर न्यू, नए बूटों के लिए मैं रोया हूँ, इसी प्रकार मी रल्लो आए, मी नए बूटा साठी रल्लो है, मतलब साठी, ये ज़्यादातर यूज किया, मतलब उसके लिए, इसके लिए ज़्यादातर यूज किया था ये 24 प्रीपोजिशन फॉर। अगला सिंस दोस्तों, सिंस यानी ठराविक वेड़े पासून, बताना मैं इतने साल तक अभ्यास कर रहा था, मैं इतने साल तक पिक्चर बना रहा था, अभी मुझको ये आया, तो इसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। ठराविक वेड़े पासून जेवा ज्या अर्थाने, मतलब उसका अर्थ ही ऐसा होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले से लेकर यहाँ तक पूरा स्टोरी बताना, तो सिंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इज दिस स्कूल सिंस 2003, आई हैव बीन लर्निंग, मैं मतलब देखो, मैं 2003 से स्कूल से लर्निंग करते आ रहा हूँ, समझे? I haven't meet him since the marriage of his sister. देखे, मैं उसके, उसकी बहन के शादी से, मतलब उसकी शादी होगी उसकी मम्मी और उसकी बहन की शादी से, वहाँ से मैं उसको मिला नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ। Haven't मतलब मिलना नहीं, meet मतलब मिलना, him उसके बहन के शादी से मैं उसको मिला नहीं हूँ। इसी प्रकार से वो उसकी शादी से अभी तक नहीं मिला, वहाँ तक अभी हम मिले, इसे दर्शाने के लिए ये सीन्स का यूज किया जाता है। मैं उतने सालों से, अभी तक 2003 से लेकर अभी तक स्कूल जाता रहा हूँ, इसके लिए ये सीन्स यूज किया जाता है। आगे टू चाकड़े स लाला, यानी इसके लिए त्याला मला शाड़ेला बॉलला दहा ते चारला असं कुछ बोलते, याच्यासाठी हे मराठीमध्ये वापरलं जातं दोस्तों। आता मी हिंदी में होता ना, आय एम गोईंग टू स्कूल, मी शाळेला गेलो आहे, थ्रो द बॉल मी, तो बॉल माझ्याकडं फेक, दिस इज 10 to 4, इट इज 10 to 4, ते 10 to 4 आहे, ते 10 to 4 आहे, असे बघा मराठी में हिंदी में ऐसे ही आएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल में जाऊंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, में जा रहा हूँ, ऐसे भी कहते हैं ला ला, ऐसा कुछ आएगा। थ्रो द बॉल, बॉल मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ फेंको, दिस इज 10 to 4, ते 10 से 4 तक है, 10 से 4 तक, से टू यानी से आएगा अर्थ, द बॉल टू मी, बॉल टू तो मेरे तरफ फेंको, मेरी तरफ फेंको, ऐसा आएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा, जाऊंगी,
जग रहा हूँ, इसी प्रकार से ला ऐसा यू का ये भी जाता था यूज किया जाता टू के लिए का के स्कूल के लिए शाड़ी ला टू ला लीजिए मराठी में भी यूज किया जाता है। अगला वाला 28 प्रीपोजिशन टू वर्ड्स कड़े चार दिशे ने संबंधित आकाश लर्न टू वर्ड हिज मदर दे कैन रन टू वर्ड्स ईच अदर। अभी मराठी में बता देता हूँ पहले आकाश लर्न टू वर्ड्स हिज मदर कड़े त्याच्या आईकडे तो शिकत आले शिकत शिकलेला आहे शिकले शिकलेला आहे शिकलेला आहे तो त्याच्या आईकडे म्हणजे अभ्यास शिकलेला आहे। दुसरं दे रन ते एक दुसऱ्याकडे पडत आहेत एक दुसऱ्याच्या दिशेने पडतात ऐसा कुछ आहे हिंदी में। आणि देखिए टू वर्ड्स मतलब देखो उन्होंने दिए टू वर्ड्स ईच अदर दिशा के एक दूसरे में दौड़ना ऐसा समझ लेना। अभी देखिए टू वर्ड्स हिज मदर मतलब तेचा आई कड़म ने उसकी मदर उसकी माँ की साथ दिशा के साथ उसने अभ्यास किया था उसकी माँ ने जो सोचा उसी हिसाब से आकाश ने लर्निंग की थी इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं संबंध में इसे इसको इसके लिए टू वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। जो टू वर्ड्स होते हैं जो बोलता है वही वो करता रहता है इसलिए वो मम्मी और लड़की का इसमें संबंध दिखाया गया है। दोस्तों दौड़ रहे एक दूसरे के साथ संबंध में दौड़ रही थी इसी प्रकार से एट पहाड़ दोपहर रात्र अग्नि छोटा छोटा गावा पूर्वी क्या यूज करता है एट टू लुक एट आई लिव एट कोलपेवाड़ी माई मदर इज एट होम मेरी मंदर किधर है घर पे है हाँ मैं कहाँ रहता हूँ कोलबेवाड़ी में रहता हूँ रहता रात रहता है लुक एट इधर देखो इसी प्रकार से एट का यूज किया जाता है। एट एनी टाइम एट अ टाइम ऐसे भी बोलते कुछ भी तो एट पहाड़ दोपहर रात्रि डे नाइट एट ऐसे बोलते उसी छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी गाँव के आगे भी एट लगाया जाता है उन्होंने लगाया। देखो दोस्तों एड बहुत मोस्ट यूज किया जाता है इसलिए अब आपको प्रीपोजिशन कभी बोलना ही नहीं चाहिए। दोस्तों पहले हमने अपने 30-40 प्रीपोजिशन देख लिए वो सेमली एक जैसे होते पर उसको कब कहाँ कैसे लगवाना है उसका अभ्यास हमको ज़्यादा करना पड़ेगा ज़्यादा से सेंटेंस देखने पड़ेंगे वो कैसे बोली जाते ये देखना पड़ेगा तभी प्रीपोजिशन लगाना हम सीख सकते। ऐसे तुरंत एक दिन में दो दिन में नहीं सीखना आता दोस्तों उसको बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है। ऐड कब आता है कैसे आता है क्यों आता है किसके पीछे आता है उसके सारे रूल्स हमको याद करने पड़ते हैं इसलिए मैंने आपको तीन तीन एग्जांपल नए नए अलग अलग दिए हैं इसके आधार पे आप थोड़े थोड़े समझ रहे ये पूरा सीखने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों और मेरी अगले वाली वीडियो आप देखते रहिए। चलो अभी तीसरा वाला देखते हैं बाय जवड़ बाजूला कड़ून जवड़ू मतलब बाजू से जा रहा है उधर से जा रहा है किससे हमको काम करवाना हो तो इससे लिए बाय यूज किया जाता है। अभी मराठी मध्ये सांगतो तुम्हाला वापरताना दिस इज वर्क वॉज डन बाय साई त्यांनी साईकडून काम करून घेतलं होतं ऐसा आएगा मराठी में। वी ट्रॅव्हल्ड बाय ॲट नाईट आम्ही रात्रीला प्रवास करतात आय एम अ टीचर बाय प्रोपिजन्स मे प्रोपिजन्स के लिए ही टीचर है। इसी प्रकार से ये जो बाय जो जिसके काम किया है उसके बाजू से काम किया इसके लिए ये यूज किया जाता है बाय का। कभी कभी पास्ट टेंस का इसमें मतलब चेन द वॉइस में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों बाय का उसका मीनिंग उसके लिए किया गया है त्याच्याकडून काम करके लेना इसके लिए ये ज़्यादातर बाय यूज किया उसके थ्रू में एट द नाइट बाय द नाइट भी बाय भी और एड भी दोनों लगाए दोस्तों उसमें दोनों आए तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होने का एड भी आ रहा है और देखो वेड के लिए एड आया पर उसके कब आया और रात के काम करते आना जिसमें ज़्यादातर वर्क हो काम करने की तभी ये बाय लगवाया गया बाय को लगाने के लिए ज़्यादातर
आदमी और काम कर रहा है उसके बीच का उसको हमें समझ में आना चाहिए, तभी बात हमें समझेगा कब और कहाँ लगवाना है और बाय कब कभी व्यक्ति वर्ग के आगे ही लगता है, क्या लगता है, प्रीपोजिशन कब आता है, इसका हमें अंदाजा अभी आना चाहिए सेंटेंस में। चलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों इसी प्रकार से हम चौथा वाला भी प्रीपोजिशन का वीडियो हम डालेंगे ही तुरंत, और आप वो भी देख लेना। इसी प्रकार से हमारी 40 प्रीपोजिशन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।